सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ रहता, एयर स्ट्राइक नहीं हुआ रहता, अगर बालाकोट, अगर पुलवामा जैसा हमला नहीं हुआ रहता, पहले भी हो सकता है, अभी भी एयर स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब हम लोग का कोई जवान शहीद होगा, किसी की माँ की गोद उजड़ेगी, किसी को कोई महिला बेचारी कोई लड़की विधवा होगी, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? एयर भारतीय नौसेना की मिसाइलें यहाँ से टुकुर टुकुर देखते रहती हैं यहाँ से, यानी चाइना हो गया, कोई देश हो गया, अगर भारत से ऐंठेगा हम लोग उसको यहीं पे थुतुर पूछ देंगे। यहाँ पर ऐसे जैसे थुतुर निकालेगा यहाँ से क्या कर देंगे? पूछ देंगे। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसमें मैगजीन कभी खत्म ही नहीं होती है। ऐसे ही वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था, किसको दिया था? धनुष नहीं खत्म होता था इस टाइप का, वैसे ही समझिए क्या है शिक्षा है। ये ऐसा धनुष है कि इसमें तीर कभी खत्म नहीं होगा। इमरान को आके ना 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 इमरान ना ना चाचा ना ना इमरान ना ना था। और वो जहाज पानी वाली जो जहाज थी वो महज 150 किलोमीटर जा सकती थी, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकती थी, जबकि मुंबई से इसकी दूरी 400 किलोमीटर है। जाए कैसे? तो दूसर जहाज में बांध के अटोचन करके ले गया था और यहां रख के मारा था ग्वादर, किस बंदरगाह को? कराची। रूस की नौसेना प्रमुख स्पेशल आए थे मिलने उन सैनिकों से जो बांध के ले गए थे, और फिर ये सैनिक रूस में गए थे, रूस में जहाज जो बना था उनको ट्रेनिंग देने की कैसे बांध के ले जाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। कालादान बंदरगाह कहां पर है? म्यांमार में। देखिए दिल्ली कलकत्ता से जहाज जाएगी कहां पर? कालादान। और यहां पर इस सितवे बंदरगाह, कालादान नहीं सितवे बंदरगाह, और यहां से कालादान नदी है। कौन सी नदी? कालादान नदी। तो कालादान नदी से हम लोग यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे? पूर्वोत्तर भारत में। तो हम लोग को डबल कनेक्टिविटी मिलेगी पूर्वोत्तर भारत में जाने में, वरना अभी कैसे जाते हैं लोग? इस एरिया से। यहाँ बाढ़ आ जाएगा तो काम खत्म। तो अभी हम लोग इस साइड से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रयास सफल हुआ कि असफल हो गया? असफल। वहां कब्जा किसने कर लिया? सेना ने कब्जा कर लिया वहां पे आराकान वगैरह के एरिया में। और यहाँ पर कौन सा पर्वत है? आराकान पर्वत। आराकान पर्वत जो है यहाँ पर, देखिए चाइना कितना बड़का है, उसको दोगला कहिए या तेगला कहिए सब चलेगा। आंग सांग सूकी से भी ये संबंध अच्छा रखते हैं, सेना को कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ एक आतंकवादी संगठन रहती है जिसका नाम है आराकान आर्मी, आराकान आर्मी को भी हथियार देता है। हद तो तब ये हेलीकॉप्टर दे दिया, किसको मारो? आर्मी को मारो। अब आर्मी इसका साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चाइना का साथ छोड़ेगा तो भारत क्या कर देगा? उलट देगा उनको। और आराकान आर्मी को इसलिए हथियार देता है कि आराकान आर्मी की वजह से एरिया हमेशा अशांत रहता है। यहाँ हमेशा देखिएगा बोडोलैंड उल्खा आतंकवादी वगैरह हमेशा घुसते रहते हैं सब यहाँ पे। तो ये हमेशा क्या रखता है? उलझा के रखता है। इस साइड में हमेशा क्या करेगा? उलझा के रखेगा। तो भारत एग्रेसिव नीतियों को नहीं अपनाता, हम लोग डिफेंसिव रहते हैं। आप कभी भी देखिएगा भारत क्या करेगा, चाइना ने ये किया चलो इसको काटने के लिए करते हैं, अच्छा चाइना गलवान में घुस गया इसको काटने के लिए करते हैं। कभी सुने भारत घुस गया इधर? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ रहता, एयर स्ट्राइक नहीं हुआ रहता, अगर बालाकोट, अगर पुलवामा जैसा हमला नहीं हुआ रहता, पहले भी हो सकता है, अभी भी एयर स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब हम लोग का कोई जवान शहीद होगा, किसी की माँ की गोद उजड़ेगी, किसी को कोई महिला बेचारी कोई लड़की विधवा होगी, तब जाके हम लोग क्या करेंगे? एयर उसको हमेशा धोपते रहना है, हमेशा क्या करना है? पीटते रहना चाहिए। थाईलैंड जो था ये टूरिस्ट पे आधारित है, ज्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट व्यापारी जाते हैं सब। यहाँ हाथी, सफेद हाथी पाई जाती है यहाँ पर। ज्यादातर जो विदेश व्यापार होता था, चाहे वो हांगकांग से हो, ताइवान से हो, चाइना से हो, दक्षिणी कोरिया से हो, जापान से हो, जितना व्यापार होता था वो इस समुन्दर के पतले रास्ता से जाता था, इस समुन्दर के पतला रास्ता से। इसे कहते हैं मलक्का। क्या कहते हैं? मलक्का। कहीं से जाइए, आपको जाना किधर है? मलक्का। मलक्का के आगे भारत का अंडमान निकोबार है। क्या है? अंडमान। भारतीय नौसेना की मिसाइलें यहाँ से टुकुर टुकुर देखते रहती हैं यहाँ से, यानी चाइना हो गया, कोई देश हो गया, अगर भारत से ऐंठेगा हम लोग उसको यहीं पे थुतुर पूछ देंगे। यहाँ पर ऐसे जैसे थुतुर निकालेगा यहाँ से क्या कर देंगे? पूछ देंगे। तो चाइना को इस बात का हमेशा डर सताता है कि बहुत अधिक ही करेंगे ना तो कूच देंगे। और ये 1962 नहीं है जो देश पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। अभी ये स्वतंत्र हो गया, 4G हो गया है, 5G सबके हाथ में आजकल क्या हो गया? मोबाइल। और युद्ध होगा तो उस समय हम क्लास वगैरह बंद बंद कर देंगे एक हफ्ता के लिए, एक महीना में निपटाइए देंगे लोग, एक महीना बहुत है। एक महीना क्या रहेगा? क्लास बंद। अब फुल स्ट्रेटजी के हिसाब से अभी नहीं बताते हैं,
वायरल हो जाता है आप ये बोल देंगे तो सुधर जाएगा वहां पर, जब युद्ध की स्थिति होगी तब बताया जाएगा। यहाँ यहाँ घेर लेंगे लोग किसको, चाइना को। इसीलिए वो किसकी मदद लेता है चाइना, अपनी रखेल का, कौन है यहाँ से सड़क बना रहा है सीपीईसी, ग्वादर बंदर, कौन सा बंदर का, ग्वादर, ये सीपीईसी सड़क है यहाँ पे ग्वादर बंदर। अब आप देखिए चाइना कितना समझदार है, वो इस सड़क को पूरी तरह से बाईपास कर गया, इधर से कोई यूज नहीं करेगा, कहां से जाएगा वहां से सीपीईसी से चला जाएगा। तो अपने देश के प्रति वो कितना ज्यादा समर्पित है, और भारत यहाँ पर कुछ खास काम नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर कई आतंकवादी संगठन भी है, भारत चाहे तो उन आतंकवादियों को मदद भी कर सकता है, लेकिन फिर हमारी सिद्धांत के क्या हो जाएगा, खिलाफ हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसका भी एक रास्ता है। यहाँ पर अहमदिया मुस्लिम रहते हैं, जिनको ये पाकिस्तानी कहते हैं कि ये मुसलमान है ही नहीं है, मतलब ये आतंकवादी की औलाद खुद को पैगंबर समझ बैठे हैं, जो अब ये बताएंगे कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है, समझा गया। तो भारत एक मानवता के नाते तो कह सकता है ना कि भाई अहमदिया मुसलमान भी मुसलमान है, जीने का हक है, उन्हें भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और यह ग्वादर के, ये राज्य कौन सा है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो हम भाई समर्थन तो कर सकते हैं, आतंकवादी का समर्थन कौन थोड़ी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं वहां की सरकार का, डेमोक्रेटिक सरकार का। अब यहाँ जब जब पाकिस्तानी रहेगा सब, ये हमेशा लड़ने रहता है सब, क्योंकि जब भी आप अपना सत्ता किसी धार्मिक व्यक्ति को दे देते हैं तो धार्मिक व्यक्ति कभी सेलेक्टेड इंसान नहीं होता है, वो समाज का रिजेक्टेड होता है, और वो उल्टे सीधा काम करेगा जितना, और वो कहेगा इसको मार दो ये हो जाएगा। एक वहां का कौन आतंकवादी ये कर, हम हैदराबाद तक जीतेंगे, दक्कन तक जीतेंगे, लेकिन एक चीज हम देखें कभी बिहार का नाम नहीं लेता है। आओ यहाँ पे तुमको पटना में दिखाते हैं, तुमको यहाँ पटना में वो आएगा तो यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, बल्कि यहां से दमादों को ले जाएगा, अपने पटना नहीं आएगा वो, यहाँ पे सीधे कहता है सब यहाँ पे हम दक्कन तक, माने हम लोग केक समझा है भारत को, आओ काटो दक्कन तक ले जाओगे। छोटे तुमको अपना बांग्लादेश याद है, यही होता है धर्म को आगे रखने पे, वो धर्म को आगे रख देते हैं यहाँ पे। तो चाइना ग्वादर के थ्रू किसको सुरक्षित करना चाहता है, मलक्का को, इसे सुरक्षित करना चाहता है मलक्का। तो भारत यहाँ पे थोड़ा और पैसा वैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उन लोग को, पैसा वैसा अहमदियों को भी क्या करना चाहिए, स्कूल खोलने का पैसा देना चाहिए। अहमदियों का अगर स्कूल खुल गया ना तो ये कैसा हथियार होता है जिसकी गोलियां नहीं खत्म होती है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसमें मैगजीन कभी खत्म ही नहीं होती है। ऐसे ही वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था, किसको दिया था, इंद्रजीत को दिया था, रावण का लड़का था शायद इंद्रजीत, वो कहा मेघनाथ को, हाँ हाँ मेघनाथ, वो कहा धनुष नहीं खत्म होता था इस टाइप का, वैसे ही समझिए क्या है, शिक्षा है, ये ऐसा धनुष है कि इसमें तीर कभी खत्म नहीं होगा। तो ये लोग अपनी आवाज उठाएंगे, और यहाँ जब जब अशांति रहेगी चाइना को लॉस होगा, और इसमें कामयाबी भी मिली है, कामयाबी इसमें मिली है। चाइना के लोग जब ड्यूटी करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी खड़ा होकर सेफ्टी करती है उन लोग की, कि चाइना का आदमी मरा है, और चाइना ने कहा है कि अगर एक वो आदमी मरेगा तो हम 30 करोड़ रुपया लेंगे, एक नंबर है उतना, 30 करोड़ रुपया नहीं हो पाता इसको। तो अब यहां से ये लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह के लिए यहां से लड़कियां भेज देते हैं। ये हम नहीं कर रहे बाबू, हम खुद एक जिम्मेदारी जगह पे हैं, हमारी बातों को पूरी दुनिया में लोग सुन जाता है, तो हम मनगढ़ंत बात अपने से नहीं बोल सकते, हम उस जगह पे अब नहीं है कि कुछ हंसी मजाक में बोल सकते हैं, ये रियलिटी है। और पिछले बार का आंकड़ा है 5000 लड़कियों की शादी हुई थी चाइना में, हाँ हाँ चाइनीज प्रोडक्ट। इमरान को आके ना 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 इमरान ना ना चाचा ना ना इमरान ना ना क्या करोगे, जिस देश का प्रधानमंत्री 60 साल की उम्र में ब्याह कर रहा है वहां क्या रहेगा, यहाँ पर ऐसा ही रहता है ना ना चल गए हम तो ग्वादर बंदर का। लेकिन चाइना फिर भी डरता है, जानते क्यों, चाइना इसलिए डरता है कि ग्वादर के बगल में ईरान है, कौन है, ईरान, और ईरान में भारत ने अपना बंदर का चाबहार बनाया है। क्या बनाया है, चाबहार, हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करें, यहां से हम कराची को थूर देंगे, और ऐसा नहीं है कि थूरे नहीं है लोग, कराची को थूरे हैं, और हम लोगों ने कराची को थूरा था 1965 में, 1965 में, और जिस जहाज से थूरा था वो जहाज रूस का था, और वो जहाज पानी वाली जो जहाज थी वो महज 150 किलोमीटर जा सकती थी, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकती थी, जबकि मुंबई से इसकी दूरी 400 किलोमीटर है, जाए कैसे, तो दूसर जहाज में बांध के अटोचन करके ले गया था, और यहां रख के मारा था ग्वादर किस बंदरगाह को, कराची,
रूस की नौसेना प्रमुख स्पेशल आए थे मिलने उन सैनिकों से जो बांध के ले गए थे, और फिर ये सैनिक रूस में गए थे, रूस में जहाज जो बना था उनको ट्रेनिंग देने की कैसे बांध के ले जाया जाता है। तो इधर से हम लोग किसका इलाज कर देंगे, कराची का, और उधर से किसका होगा, ग्वादर का, बिहार वाला टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ जाए,